तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रीडम 30 के ऊपर। लगातार मार्केट के अंदर गिरावट जारी है। निफ्टी के अंदर देखें, बैंक निफ्टी के अंदर देखें, सेंसेक्स के अंदर देखें या दुनिया भर के बाजारों के अंदर देखें तो ये गिरावट किस वजह से हो रही ये भी शायद आपको पहले से पता होगा। हालांकि इसके ऊपर हमने कई वीडियोज बना दिए हैं, तो जाकर चैनल के ऊपर जो इससे पहले वीडियोज आए हैं आप चाहे तो उन वीडियोज को जाकर स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गिरावट में पैनिक हो जाते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, पर ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए गिरावट का, बल्कि आपको फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी गिरावट का आपको फायदा कैसे मिलेगा, कैसे आप इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, चलिए हम आपको यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये गिरावट हुई क्यों है और इस गिरावट का आपको फायदा क्यों उठाना चाहिए, चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा सुना होगा शायद, अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपने देखा होगा SVB फाइनेंशियल ग्रुप जो है वो बैंक, जो हमारा अमेरिका का एक ये बैंक है जो कि टॉप 20 बैंकों के अंदर आता था अमेरिका के अंदर, ठीक है, इस बैंक को क्या किया, इस बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और इस बैंक को बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया भर के जो मार्केट है, पूरी दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं उनके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और आज हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी, आज नहीं एक्चुअल में बहुत दिनों से गिरावट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब से ये न्यूज आई है तब से मार्केट में लगातार गिरावट ही देखी जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस लेवल से गिरावट शुरू हुई थी जब से ये न्यूज आई है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन 1782 पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है और आगे और भी ये गिरावट जारी रह सकती है। हालांकि इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिए हैं, आपको इस गिरावट का फायदा कैसे उठाना है चलिए इसके ऊपर बात कर सकते हैं, बात करते हैं। देखिए ट्रेडिंग करते हैं तो ये बात तो आपको पता ही है भाई, शॉर्ट सेलिंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट सेलिंग करके आप पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, किसी भी शेयर को अगर आप बेचेंगे तो आपका पैसा, क्योंकि डिलीवरी के अंदर कोई शॉर्ट सेलिंग का सिस्टम नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट सेलिंग का सिस्टम होता है, फ्यूचर के अंदर होता है, ऑप्शन के अंदर होता है। अगर आप निफ्टी एंड निफ्टी बैंक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। और आज के दिन काफी, आज के दिन देखा जाए तो काफी बढ़िया लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तकरीबन यहाँ पर जो गिरावट आज देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप टॉप लेवल से देखेंगे तकरीबन 1200 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली है। और मुझे लगता है इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए, अभी जो गिरावट हो रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। जब बाजार गिरे ना, एक्चुअल में जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं, जो बहुत सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं, जो तो वो क्या करते हैं कि उनके लिए तो ये बहुत खुशी की बात होती है जब मार्केट गिरता है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का बढ़िया मौका मिल जाता है। और जो हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो जब गिरावट होती है तो वो घबरा जाते हैं। एक्चुअल में घबराने वाली बात तो है ही नहीं, हालांकि घबराने वाली बात तो है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि गिरावट में सस्ते दामों पर आप खरीदेंगे, महंगे दामों पर बेचेंगे। आज अगर ये गिरावट हो रही है तो कल जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी वजह से गिरावट हुई है तो किसी वजह से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ये तो चलता रहता है मार्केट में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बल्कि आपको इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। अच्छी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके इस गिरावट का आप फायदा उठा सकते हैं। तो कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, 5 शेयर मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मुझे लगता है कि इन कंपनियों में आपको इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि पहली कंपनी का नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। दीपक नाइट्रेट की बात करेंगे तो बहुत ही कमाल की कंपनी है सर, पिछले 5 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 600% के रिटर्न इसने आपको दिए हैं, इतनी गिरावट के बावजूद भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी गिरावट के बावजूद भी इसने आपको 600% के रिटर्न दिए हैं सर। ठीक है, तो बहुत ही कमाल की कंपनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दीपक नाइट्रेट के अंदर आप जरूर से कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की कंपनी है, केमिकल सेक्टर के अंदर बहुत ही कमाल की कंपनी ये मानी जाती है और हजारों लाखों लोगों को इसने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनाकर दिए हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इस कंपनी पे आप नज़र रख सकते हैं, अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा देखेंगे तो पिछले 6 महीने के अंदर तकरीबन 20% की गिरावट आपको दीपक नाइट्रेट के अंदर देखने को मिली है और मुझे लगता है कि आपको इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। अभी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर आपको ये स्टॉक मिल रहा है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो पिछले 6 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि 20% की गिरावट आपको देखने को मिली है, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल के अंदर आप देखेंगे तो 17% की गिरावट आपको यहां पर देखने को मिली है और पिछले अगर 5 सालों के अंदर आप देख सकते हैं तकरीबन 600% का
यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी बुरी नहीं है सर, थोड़े बहुत फाइनेंशियल ऊपर नीचे होते रहते हैं सभी कंपनियों के। अगर यहाँ पर आप फाइनेंशियल को देखेंगे तो फाइनेंशियल यहाँ पर रेवेन्यू में देख सकते हैं 15.61% की तेजी आपको देखने को मिली है, यानी प्रॉफिट आपको देखने को मिला है रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। लेकिन नेट इनकम के अंदर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो कंपनी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, आने वाले दिनों में ये कंपनी आपको वैसे ही रिटर्न्स बनाकर देगी जैसे अभी इसने आपको बनाकर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो कंपनी है हमारी वो कंपनी है नवीन फ्लोरो लाइन, ठीक है। इस कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी भैया बहुत दिग्गज कंपनी है, इस कंपनी ने भी लोगों को बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनाकर दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ये भी कंपनी को आप अपनी नजर के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, आप अपनी रडार पे रख सकते हैं, काफी बढ़िया कंपनी है। अगर पिछले एक साल के अंदर पिछले छह महीने के अंदर आप देखेंगे तो तकरीबन 13.5% की गिरावट इसके अंदर भी आपको देखने को मिली है, और अगर आप पिछले एक साल के अंदर आप देखेंगे तो इतनी गिरावट के बावजूद भी इस कंपनी ने आपको तकरीबन 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं, ठीक है। तो कंपनी बुरी नहीं है, अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो 425% के रिटर्न्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी कि इतनी गिरावट के बावजूद भी 425% के पॉजिटिव रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी में भी अपनी स्टडी करके अपनी रिसर्च करने के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी कंपनी यहां पर हम आपको बताते हैं, तीसरी कंपनी का नाम है यहां पर आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक जो है ना, इसको मैं नंबर वन मानता हूं, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया का जो नंबर वन बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले हम यहां पर एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर पिछले तकरीबन 9% के रिटर्न इसने आपको दिए, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आप बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 19% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा बेस्ट लगता है, हालांकि वैसे भी बेस्ट है, इंडिया का दूसरे नंबर का ये बैंक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो ज्यादा बेस्ट लगता है। और अभी आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया कि निफ्टी बैंक के अंदर जितनी गिरावट आपको देखने को मिली है, तो इन बैंकों के अंदर भी गिरावट हुई है, और मुझे लगता है कि गिरावट का आपको फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए और जरूर इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी काफी अच्छे डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने के अंदर तकरीबन 9.5% की गिरावट इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिली है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को भी अपनी रडार पे रख सकते हैं और अपनी रिसर्च करने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक कंपनी और भी है और उस कंपनी का नाम है, यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, उस कंपनी का नाम है यहाँ पर, जो कि सभी की फेवरेट कंपनी है और सभी की क्या बल्कि मेरी भी फेवरेट है, सभी की फेवरेट है। और इस कंपनी की बात की जाए तो पिछले एक साल के अंदर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो सभी का फेवरेट स्टॉक रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने रिटर्न सर मतलब अंधे रिटर्न दिए हैं सर, ठीक है, फाड़ फाड़ के सारे छप्पर फाड़ के रिटर्न इसने प्रोवाइड किए हैं आपको। तो ये स्टॉक भी काफी अच्छे डिस्काउंट पे आपको अभी मिल रहा है। अगर पिछले एक साल के अंदर आप देखेंगे तकरीबन 12% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पिछले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने के अंदर तकरीबन 21% से ज्यादा की गिरावट आपको यहां पर देखने को मिली है। तो काफी अच्छे डिस्काउंट पे अभी ये स्टॉक आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि आपको इस कंपनी में नजर रखनी चाहिए। इतनी गिरावट के बावजूद भी पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर तकरीबन 246% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अगर आप पिछले 5 साल पहले 1 लाख रुपए बजाज फाइनेंस में लगाए होते तो अभी आपके पास 3.5 लाख रुपए होते। इतनी गिरावट के बावजूद भी इस कंपनी ने आपको बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो आप चाहें तो इस कंपनी को भी अपनी रडार पे रख सकते हैं, काफी बढ़िया कंपनी है और काफी कमाल की कंपनी है। आप चाहें तो और काफी बड़ी कंपनी है, एक्चुअल में ये वो कंपनियां हैं जिन कंपनियों पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। एक कंपनी मैं आपके लिए लेकर और भी आया हूँ और उस कंपनी का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपके सामने यहां पर लिखकर दिखाता हूं। इस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। 2906 रुपए के आसपास, यानी 2906 रुपए के आसपास अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है। हालांकि आज पूरे मार्केट में गिरावट चल रही थी लेकिन ये स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे 36% से ज्यादा की गिरावट आपको इस कंपनी में देखने को मिली है, ठीक है। 36% से ज्यादा की गिरावट आपको यहाँ पर इस कंपनी में देखने को मिली है पिछले 6 महीने के अंदर। एक साल का डेटा देखेंगे तो तकरीबन 33% की गिरावट,
यहाँ पर आप देख सकते हैं 33% की गिरावट आपको देखने को मिली है इस कंपनी के अंदर। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का डेटा निकालेंगे तो इतनी गिरावट के बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 321% के पॉजिटिव रिटर्न्स इसने आपको दिए हैं। तो ये कंपनी भी बहुत कमाल की है, मुझे पर्सनली देखा जाए तो ये कंपनी काफी अच्छी लगती है और बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की हुई है। तो काफी अच्छे डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है, आप चाहें तो इस कंपनी को भी अपनी नजर में रख सकते हैं और अपनी रिसर्च करने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो रेवेन्यू में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन नेट इनकम के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको ग्रीन ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा कोई खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया प्रॉफिट ही बनाकर देगी। तो अपनी रिसर्च करने के बाद आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो था वो तकरीबन इसका जो हाई यहाँ पर निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5,500 के आसपास इसका हाई लगाया था इसने। उसके बाद ये स्टॉक अभी आप देख सकते हैं कि 3,000 के आसपास आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है और इस गिरावट का आपको फायदा जरूर से उठाना चाहिए। एक कंपनी और है और उस कंपनी का नाम है यहाँ पर अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, ये भी बहुत ही कमाल की कंपनी है, तो इस कंपनी को भी आप चाहें तो अपनी नज़र में रख सकते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर तकरीबन 14% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली है। अगर पिछले 1 साल का डेटा देखेंगे 46% से ज़्यादा की गिरावट इस कंपनी में आपको देखने को मिली है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी में भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि इस कंपनी में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 70% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो उस कंपनी में रख सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ टेक्निकल्स अगर आप देखेंगे तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। वैसे तो ये स्टॉक देखा जाए तो अभी थोड़ा सा साइडवेज ही चल रहा है, लेकिन ये कंपनी मुझे लगता है कि अच्छी है और आने वाले समय में ये कंपनी आपको अच्छे प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। और एक कंपनी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बोनस कंपनी रहेगी और ये कंपनी रहेगी आपके लिए इन्फोसिस। ठीक है, इस कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा और इस कंपनी का जो शेयर है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्फोसिस के अंदर इंडिया की दूसरे नंबर की आईटी कंपनी है और पिछले 6 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसके अंदर 2-2.5% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 1 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तकरीबन 24% की गिरावट आपको यहां पर इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को तो ज़रूर आप अपनी रडार के अंदर रखें, आप इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 23% की गिरावट 23-24% की गिरावट कम नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में भी आपको नज़र रखनी चाहिए और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी अच्छी कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, इस गिरावट का फायदा आपको जरूर से उठाना चाहिए। तो इन्फोसिस जो है काफ़ी कमाल की कंपनी है, आप चाहें तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये तो वो कंपनी है जिसपे हम आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है तो आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ही किसी भी कंपनी में अपने पैसे लगाइएगा। ठीक है, तो मेरा काम है तो आपको देखिए मेरा काम तो आपको बताना है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स लाकर आपको देना है, बाकी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कितनी करेंगे, किसमें करेंगे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर से करिएगा। ठीक है, उसके बाद ही किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 5 सालों के अंदर तकरीबन 150% के पॉजिटिव रिटर्न्स इन्फोसिस लिमिटेड ने आपको दिए हैं, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें हुई है। तो इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर से करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ ही मिलता रहे और आप इसी तरह से स्टॉक मार्केट से लगातार प्रॉफिट बनाते रहें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप इस चैनल को जरूर से फॉलो करिएगा। आज हमने कल ही हमने आपको बता दिया था कि कल मार्केट में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो जितने भी वीडियोज आते हैं सभी वीडियोज को स्टडी किया कीजिए, आपकी बहुत सारी नॉलेज बढ़ेगी और आप स्टॉक मार्केट से ऐसे ही प्रॉफिट बना पाएंगे।